Hi students, today we are going to start with chapter number 6, fraction. First of all, let's start with the definition, and it's a very simplified definition as you have already done this in grade 3. It simply tells us about the parts of the whole. किसी भी whole के कितने total parts हैं, उसके बारे में जो हमें information देता है, that is called fraction. Suppose we are dividing some whole part into equal number of parts. और जब आप उसके एक पार्ट को कंसीडर करते हो या नंबर ऑफ पार्ट्स को कंसीडर करते हो विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स दैट इज फ्रैक्शन. फाइन, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो फर्स्ट वन वी हैव हियर, लेट्स डू दिस विद अ सर्कल. Suppose we have this whole chapati here. Suppose this is a chapati. आप मान लो ये एक chapati है. अगर हम इसको 4 equal parts में divide कर देते हैं, तो here whole के total कितने parts हो गए हैं? 4 equal parts. Fine. अगर मैं यहाँ से one part को remove कर देती हूँ, okay? This part is removed. Remove करने का मतलब है हम इसको ऐसे shade कर देते हैं. It means one part removed. जब आप इसका fraction लिखोगे, then you have to give the information of the removed part with respect to the total number of parts. आपको removed part की information देनी है और साथ में ये भी बताना है कि total parts कितने हैं. So आप इसको ऐसे represent करोगे, पहले आप एक separating line या dividing line लगाते हो, जिसके बॉटम पे आप लिखते हो 4, इट मींस टोटल पार्ट्स, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पार्ट, सो हियर वन, राइट? सो देयर आर पर्टिकुलर नेम्स फॉर दीज टर्म्स. दिस इज टर्म्ड एज जिस पार्ट के बारे में हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर. And total number of parts is called denominator. Fine? So after this, let's just move to the next one. Next we have something that you have already learned. That's why it's in the category of I have learned. So aapne pehle seekh liya hai. Fraction is a part of whole. Like fractions kya hote hain? Like fractions are the fractions with the same denominator. जिस फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम होता है, इट मींस जिनके टोटल पार्ट्स इक्वल होते हैं, दो फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. एक जैसे फ्रैक्शन होते हैं क्योंकि उनके टोटल पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं. एज यू कैन सी इन द फर्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे टू सर्कल्स हैं और दोनों के जो टोटल पार्ट्स हैं वो 4-4 है. यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है. इट मीन्स उनका डिनोमिनेटर सेम है. सो दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. नेक्स्ट, अनलाइक फ्रैक्शंस. अनलाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस विद अ डिफरेंट डिनोमिनेटर. जब तक उनके डिनोमिनेटर सेम रहेंगे तब तक वो लाइक फ्रैक्शंस हैं. इन केस उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए, देन दे विल बिकम अनलाइक डिनोमिनेटर्स. इन दिस केस वी हैव नथिंग टू डू विद द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है. ऑल वी हैव टू डू इज विद द डिनोमिनेटर. इफ वी हैव सेम डिनोमिनेटर इन टू और थ्री फ्रैक्शंस, देन वी कॉल देम लाइक फ्रैक्शंस. इफ वी हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, देन वी कॉल देम अनलाइक फ्रैक्शंस. फाइन, नेक्स्ट वी हैव यूनिट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस विच हैव वन एज न्यूमरेटर आर नोन एज यूनिट फ्रैक्शंस. जब हम होल का सिर्फ वन पार्ट कंसीडर करते हैं, दोज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. यहाँ पे आप देख सकते हो इनका न्यूमरेटर जो है 1/2, 1/3, 1/4, इनका जो न्यूमरेटर है दैट इज 1. सो सच फ्रैक्शंस हैविंग वन एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. फाइन, नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द बार इज शेडेड, फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. आपको क्या करना है, देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालते हैं या तो मल्टीप्लाई करके या तो डिवाइड करके. यहाँ पे आपको वो नहीं करना, यहाँ पे आपको रीजन को चेक करके जितना शेड हुआ है और जितने टोटल पार्ट्स हैं. जैसे 3 के इक्विवेलेंट उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, पहले जब 3 पार्ट्स थे तो ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था, ये 1 पार्ट था. अभी उनको फर्दर 1-1 पार्ट में और डिवाइड कर दिया है, 1 पार्ट के फर्दर 2-2 पार्ट्स कर दिए हैं, तो वो 6 हो गए. फाइन, इट मीन्स डबल हो रहे हैं, वो 2-2 बढ़ रहे हैं. तो आप यहाँ से डायरेक्टली काउंट कर सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6. नॉट टोटल पार्ट्स आर, टोटल इक्वल पार्ट्स आर 6.
And how many are shaded? 1, 2, 3, 4. So you have to write here 4. Fine. Next one. Out of 12 parts, how many are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 are shaded, so write here 8. Next. Out of 9 total parts, how many are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are shaded, so write here 6. Next we have 2 by 3. You need to count the total number of parts first. ये देखो अभी वन पार्ट के फर्दर सिक्स पार्ट्स हो गए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So here you need to write 18. How many are shaded? शेडेड चेक करेंगे कितने शेडेड हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. सो हाउ मेनी आर शेडेड? 12 आर शेडेड. फाइन. सो दिस इज योर आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द मिसिंग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द ईच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको कैसे फाइंड करने हैं? हाउ? By multiplying or by dividing. आपने multiply और divide किसको करना है? आपने एक number से numerator और denominator दोनों को multiply करना है या उसको divide करना है, depending upon the question. वो हम बाद में question में discuss करेंगे कैसे. First important thing that you need to remember while doing this is, आप जब भी किसी भी नंबर से, अगर न्यूमरेटर को मान लो, सपोज आई हैव अ फ्रैक्शन 2/3, अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फाइन, देन इट इज नेसेसरी कि आप 3 को भी 2 से ही करोगे. जब आप फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करोगे या अदरवाइज जब भी आप किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हो, तो क्या होता है कि जिस भी नंबर से आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे. ये करेक्ट वे है. अगर आप यहाँ पर 3 से कर दोगे, ऊपर 2 से कर रहे हो, देन दिस इज रॉन्ग. यू कैन नॉट प्रोसीड दिस वे. अगर आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपको डिनोमिनेटर को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. रिमेंबर दिस थिंग. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. आपको बता रखा है 3/4 एंड आफ्टर दिस 6 अपॉन, दिस इज ब्लैंक. आप चेक करो कि 3 से 6 कैसे बना. अब ये 3 से बड़ा है तो मल्टीप्लाई करके आया होगा. 3 के टेबल में आप चेक कर लो 6 कब आता है. 3 2 6. इट मींस यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है. अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी आप 2 से करोगे. अब 4 2 क्या होता है? 8. वो आपको यहाँ पर लिख देना है. दिस वे यू हैव टू कंप्लीट इट. नेक्स्ट आप सेम जो आपको दे रखा है ना, आप उसी को यूज कर सकते हो और आगे के आप फिल कर सकते हो. जैसे 3/4 है, ये वाला 3/4 ही लेंगे और हमें अब ये वाला चेक करना है. यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पर 12 है. अब आप चेक करो 4 से 12 कैसे बन गया. 4 3 12, इट मीन्स 3 को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है. सो 3 3 9. फाइन. नेक्स्ट वील अगेन यूज 3/4 जो हमें गिवन है एंड नेक्स्ट दिस वन 12 अपॉन ब्लैंक. अब 3 से 12 कैसे बना. 3 4 12, नीचे भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से. 4 4 16. फाइन. नेक्स्ट 3/4 इक्वल टू, अभी ये चेक करना है, ब्लैंक एंड 20. अब 4 से 20 कैसे बना. 4 5 20. सो 3 को भी आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे. 3 5 15. फाइन. नेक्स्ट आप चेक दिस वन. 3/4 इक्वल्स टू 18 अपॉन ब्लैंक. नाउ 3 से 18 कैसे बना. 3 6 18, इट मीन्स 4 को भी 6 से करोगे.
4 6 are 24. Fine. Next, the last one. I'm leaving this for you. ये आप खुद करोगे. Next B part. 2 by 3 and this one. Blank upon 6. आप चेक करो 3 से 6 कैसे बनाएं. 3 2 is 6. तो 2 को भी किससे करोगे. 2 से 2 2 is 4. Fine. Next we are using 2 by 3. आप next भी use कर सकते हो. Same भी use करते हो. 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6 आएगा ना. इट मींस यहाँ पर भी किससे करना है. 3 से करना है. सो 3 3 इज 9. दिस वे. टू बाय 3 एंड दिस वन ब्लैंक अपॉन 12. अब ये 3 से 12 कैसे बनाओगा. 3 4 इज 12. ऊपर भी आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे. 4 से न्यूमरेटर को. 4 2 8. Fine. So next one, the last one I'm leaving for you, and we'll proceed to C part. In C part, 8 upon 16 is equal to 4 upon blank. अभी 8 से 4 हो रहा है. It means 8 के टेबल में तो नहीं आ रहा होगा. अब 8 से 4 हो रहा है, कम हो रहा है. यहाँ पे आपने प्लस माइनस नहीं करना है. Either multiplication or division. मल्टीप्लाई करने से नंबर्स बड़े हो जाते हैं और डिवाइड करने से नंबर्स छोटे हो जाते हैं. यहाँ पर 8 से 4 हो गया है, यानी कि ये एक लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर हो गया है. इट मीन्स यहाँ पर क्या किया होगा, डिवाइड किया होगा. अब 8 को किससे डिवाइड किया होगा कि आपका आंसर जो है वो 4 आ गया. तो आप क्या करो, आप 8 को 4 से डिवाइड कर दो. 4 टू जार 8. यहाँ पर 0 आ जाएगा. इट मीन्स 2 से डिवाइड किया होगा. यहाँ पे आप 2 लिख दो. फाइन. ऊपर 2 से किया था तो नीचे भी किससे करोगे, आप 2 से ही डिवाइड करोगे. जब आप 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 4 16 आएगा. इट मीन्स यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 8. फाइन. दिस वे यू हैव टू डिवाइड इट. आप 1 से चेक कर लोगे कि किसको डिवाइड किया था, क्योंकि आपको ऊपर जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आपको दोनों के न्यूमरेटर दे रखे थे, तो आप न्यूमरेटर से रिलेशन चेक कर लोगे. सेम रिलेशन आप अप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर पर. फाइन. ये पार्ट आप खुद करोगे. मैं आई एम डूइंग दिस वन. 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू, इस केस में अब आपने क्या करना है, अब आपने 8 और 16 के टेबल्स में चेक करना है. जैसे 8 ऐसा टेबल चूज करो जिसमें 8 भी आता हो 16 भी आता हो. तो हम पहले 8 का टेबल चेक करते हैं. 8 के टेबल में 8 भी आता है और 16 भी आता है. तो हम इसको 8 से ही डिवाइड कर देंगे दोनों को, क्योंकि यहाँ पर 1 भी नहीं दे रखा. तो ये टोटली आप पर है कि आपने इसको कैसे रिड्यूस करना है. फाइन. तो यहाँ हम 8 से डिवाइड कर देंगे. यहाँ पर भी हम 8 से डिवाइड कर देंगे. जब आप 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 क्वोशेंट आएगा. जब आप 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वोशेंट 2 आएगा. दैट यू हैव टू राइट हियर एंड दिस इज योर answer. Next we have exercise 6.2. यहाँ आपको find करना है simplified form. For each fraction, find the missing number to find its simplest form. आप simplest form कैसे find करते हैं? Simplest form का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे fraction में लिखो जहाँ पर इसके जो digits हैं वो smallest हो जाएं. अब digits smallest करने हैं तो it means हो सकता है वो पहले से big number हैं, आपको उनको स्मॉल नंबर्स में रिड्यूस करना है. उसके लिए आपको क्या करने पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो रिमेंबर व्हेन एवर यू सी दिस वर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म, वहाँ पे आपको फ्रैक्शन को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को. कैसे करना है, लेट मी शो यू. फर्स्ट ए पार्ट, इट्स 3 बाय 9. अब आप ये देखो, आपने यहाँ पर ये चेक करना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म देखकर आपको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर आपको डिवाइड करना है. अब किससे डिवाइड करना है ये आप कैसे देखोगे, आप ऐसा टेबल चूज करो जिसमें 3 भी आता हो 9 भी आता हो. तो आप पहले 3 चूज कर लो. आप चेक करो कि 3 के टेबल में 3 तो आ रहा है, क्या 3 के टेबल में 9 भी आता है. यस, 3 3 9. तो आप 3 से डिवाइड कर दोगे दोनों को.
जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका 1 क्वेश्चन आएगा, जब आप 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 3 आएगा। तो ये रही आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। दिस वे यू हैव टू डू ऑल दीज पार्ट्स। आपको चेक करना है कि वो कौन सा टेबल है जिसमें वो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ रहे हैं। सो बी एंड सी पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू एंड आई एम गोना डू द डी पार्ट। इट्स 25 अपॉन 35। तो हमें चूज करना है ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों आते हों। तो ये दोनों आ रहे हैं, 25 के टेबल में 35 नहीं आता है, 35 के टेबल में 25 नहीं आता है। तो आप देखोगे कि इनके वंस प्लेस पे 5 है, तो आप सबसे पहले 5 का टेबल चेक करोगे। फाइन, तो 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे। ये रूल है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिजिट से ही डिवाइड कर सकते हो। ऐसा नहीं है यहाँ आप 5 से कर दो और यहाँ पर 6 से। नो, आप दोनों को एक ही डिजिट से डिवाइड कर सकते हो और वो आपको केयरफुली चूज करना है। फाइन, तो अब जब आप 25 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 5 आएगा, जब आप 35 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 7 आएगा। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। फाइन, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द स्टैंडर्ड, सॉरी, इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म फिर से वही है, जब आपको वर्ड दिखेगा सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन्स आपको डिवाइड करना है फ्रैक्शन को। फाइन, डिवाइड ऐसे करना है कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाए, इट मीन्स उससे ज्यादा आप उसको डिवाइड नहीं कर सको। फाइन, फर्स्ट वन 2/4, जब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करोगे तो आप इसको डिवाइड करोगे। ये तो आपको सिंप्लीफाइड वर्ड देखकर पता चला जाएगा कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, दैट यू हैव टू डिवाइड। नाउ, अब डिवाइड किस डिजिट से करना है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। 2 and 4, आप चेक करो ऐसा टेबल जिसमें 2 भी आए 4 भी आए, तो आप 2 से ही देख लो। 2 के टेबल में 2 तो आता है, क्या 4 आता है? यस, वो भी आता है। इट मीन्स आप इसको 2 से ही डिवाइड करोगे। जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन आएगा 1, जब आप 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन आएगा 2। फाइन, सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट बी पार्ट 6/8। सिंस वी आर फाइंडिंग सिंप्लीफाइड फॉर्म, सो दिस इज वेरी क्लियर दैट वी हैव टू डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और डिवाइड करना है सेम डिजिट से, वो आपको केयरफुली चूज करना है। 6 and 8, 6 और 8 दोनों किस टेबल में आते हैं? पहले चलो 6 से चेक कर लेते हैं कि 6 के टेबल में 6 तो आता है, बट क्या 6 के टेबल में 8 भी आता है? नो, तो ऐसा टेबल चूज करो जिसमें 6 भी आए 8 भी आए। 2 के टेबल में 6 आता है और 8 भी आता है, इट मीन्स हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 2 से। देखो 3 के टेबल में भी 6 आता है, बट 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, तो हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 3 आएगा, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन 4 आएगा, वो आप यहाँ लिख दोगे। सो नाउ यू कैन सी कि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 3 और 4 आते हों। सिर्फ 1 का टेबल है, अगर आप 1 से डिवाइड कर भी देते हो तो अगेन आपका 3/4 ही आ जाएगा। सो दिस इज योर सिंप्लीफाइड फॉर्म। सी पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू, सी पार्ट आप खुद करोगे। एंड ई पार्ट, दीज 3 पार्ट आई एम लीविंग फॉर यू एंड आई एम गोना डू द एफ पार्ट। 12/25, आपको इसको रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इट मीन्स आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी आप देखो कि 12 किस किस टेबल में आता है। एक तो ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 के टेबल में आता है। फाइन, अब आप देखो 2 के टेबल में 12 तो आता है बट 25 नहीं आता, तो 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के टेबल में 12 आता है बट 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो नहीं कर सकते। 4 के टेबल में 12 आता है बट 4 के टेबल में 24 नहीं आता, तो इससे भी डिवाइड नहीं कर सकते। 6 के टेबल में 12 आता है, इट मीन आप 12 को 6 से तो डिवाइड कर सकते हो,
कंप्लीटली, बट 25 सिक्स के टेबल में नहीं आता, तो आप इससे नहीं कर सकते हो. 12 के टेबल में 12 आता है, पर 25 नहीं आता, आप इससे भी नहीं कर सकते हो. इट मीन्स आप इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो. ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म ही है. इस केस में आपको इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकता. हमारी जितनी पॉसिबिलिटीज थी डिवाइड करने के लिए, 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, वो सब हमने ट्राई कर लिया, बट डिवाइड नहीं हो पाया. इट मीन्स दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑलरेडी. ये पहले से सिंप्लीफाइड है. अगर आप इसको 1 से डिवाइड कर भी दोगे तो वापस आपका वही आंसर आएगा 12.25. दैट मीन्स दिस इज द ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म. फाइन, सो वी आर डन विद दिस.